नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल एस्टिमेशन कॉस्टिंग में आज 11 केवी की जो एचटी लाइन होती है उसमें समझते हैं कंडक्टर्स, सपोर्ट और क्रॉस आर्म्स किस तरह की होती है। शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। इस वीडियो लेसन के नोट्स एक एडिटेबल पीपीटी के रूप में डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, जहां से इन्हें आप अपनी स्टडीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क अच्छा लगे तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन कई प्रकार के पावर प्लांट्स में, जो थर्मल, हाइडल, न्यूक्लियर या नॉन कन्वेंशनल में फोटोवोल्टेक या विंड पावर हो सकते हैं, वहां बल्क अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को हम 11 केवी या 33 केवी वोल्टेज लेवल पे बनाते हैं। अक्सर ये जनरेटिंग प्लांट जहां इलेक्ट्रिक एनर्जी की कंजम्पशन होती है, लोड सेंटर्स होते हैं, उनसे बहुत दूर होते हैं। जनरेटेड पावर को इकोनॉमिकली और एफिशिएंटली लंबी दूरियों पर भेजने के लिए हम जनरेटिंग स्टेशंस की वोल्टेज लेवल को स्टेप अप कर लेते हैं ट्रांसफार्मर की मदद से, और बल्क पावर लॉन्ग डिस्टेंस पे जिन लाइनों से और जिस सिस्टम से भेजी जाती है उसे ट्रांसमिशन सिस्टम कहते हैं। हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम हाईएस्ट 765 केवी थ्री फेज एसी पे काम करता है। नीचे 400 केवी, 220 केवी और 132 केवी के लेवल भी ट्रांसमिशन सिस्टम्स के हैं। इलेक्ट्रिक पावर को हम डोमेस्टिक लेवल पे घरों में सिंगल फेज में 230 वोल्ट पे और थ्री फेज में 415 वोल्ट पर इस्तेमाल करते हैं। ट्रांसमिशन के लिए उपयोग वाली वोल्टेज को स्टेप अप करना, जब हम इलेक्ट्रिक पावर को हाई वोल्टेज पे ट्रांसमिशन करते हैं तो सेम पावर के लिए लाइन करंट्स कम हो जाते हैं। इससे हमारी ट्रांसमिशन लाइन में कंडक्टर और दूसरी लागतों में भारी कमी आ जाती है। लाइन में करंट से होने वाले रेजिस्टेंस के ओमिक लॉस और वोल्टेज ड्रॉप दोनों कम हो जाते हैं। हमारी लाइन में जो पावर लॉस है वो ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज के स्क्वायर रिलेशन में कम होते हैं, लेकिन वोल्टेज बढ़ाने से ट्रांसमिशन लाइन में जो कंपोनेंट्स हम यूज करते हैं, स्विच गियर्स, कंट्रोल प्रोटेक्शंस के कंपोनेंट्स और जो इंसुलेशन हम इस्तेमाल करते हैं, टावर की हाइट और राइट ऑफ वे स्पेसिंग्स हैं, वो इंक्रीज हो जाती है। तो उन कारणों से हमारी ट्रांसमिशन वोल्टेज बढ़ने से कुछ लागतें बढ़ती भी हैं। एक पुराना नियम है, जितनी हमारी ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ ज्यादा होगी या पावर जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं वो पर फेज ज्यादा होगी, उतनी हमें ट्रांसमिशन सिस्टम की वोल्टेज को ज्यादा लेना चाहिए। अगर इस रिलेशन में हम लेंथ को देखें तो ये ट्रांसमिशन डिस्टेंस है किलोमीटर में, और ये 3P तीनों फेज की टोटल पावर है किलोवाट में, और ये हमारी मोस्ट ऑप्टिमम वोल्टेज है जो हमारी ओवरऑल कॉस्ट को कम करेगी। पुराने जमाने में जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट कम था, पावर की अमाउंट जो ट्रांसफर हो रही थी वो कम हो रही थी, तो सारा डिसीजन जो ट्रांसमिशन वोल्टेज का था वो लेंथ से होता था, लेकिन इन दिनों बहुत कम डिस्टेंस पे भी हम बहुत बल्क पावर का ट्रांसफर करते हैं, तो ये वोल्टेज इस रिलेशन के हिसाब से लेंथ कम होने के बावजूद भी पावर लेवल ज्यादा होने से ज्यादा ट्रांसमिशन वोल्टेज की डिमांड करती है। जो बल्क पावर ट्रांसमिट हुई है वो अलग अलग लोड सेंटर्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशंस में जब डिस्टेंसेस बहुत कम रह जाते हैं, 5 किलोमीटर से भी कम, और जो पावर इन्वॉल्व है वो भी बहुत कम रह जाती है, 1 मेगावाट से भी कम, 100 किलोवाट, 500 किलोवाट ऐसी, तो ये जो फॉर्मूला है वो मोस्ट ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन की वोल्टेज 11 केवी को रिकमेंड करता है। हमारे सेकेंडरी ट्रांसमिशन में जो 132 केवी वोल्टेज लेवल पे जो पावर अवेलेबल होती है उसे हम स्टेप डाउन करके प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में 33 केवी पर बना लेते हैं, और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की जो 33 केवी वोल्टेज है उसे सबस्टेशंस पे हम स्टेप डाउन करके 11 केवी पे ट्रांसफार्मर की मदद से बदल लेते हैं, और वो 11 केवी वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के सबस्टेशन से 3 तारों की मदद से अलग अलग लोड सेंटर्स में पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए फीडर की जैसे इस्तेमाल होती है, और बाद में इन फीडर्स का कनेक्शन कुछ ऐसे पोल माउंटेड सबस्टेशंस जहां एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 11 केवी को 415 वोल्ट पे बदल देता है वहां पहुंच जाती है। आज हम 3 इस तरह के तारों से 11 केवी लाइन टू लाइन वोल्टेज के साथ पावर का जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है उन लाइनों के बारे में समझते हैं। पावर डिस्ट्रीब्यूशन 11 केवी की ओवरहेड एचटी लाइन में ये तीनों लाइव कंडक्टर्स हैं, वो पोल स्ट्रक्चर पे पिन इंसुलेटर से सपोर्टेड होते हैं, और ये जो
जो पोल स्ट्रक्चर है वो स्टील के ट्यूबुलर रेल स्ट्रक्चर हो सकते हैं, वो रिइंफोर्समेंट कंक्रीट सीमेंट या प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट के पोल स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में हम जो थ्री फेज पावर है उसे आगे भेजने के लिए एक सिंगल सर्किट पावर लाइन में केवल 3 वायर का इस्तेमाल करते हैं, इसमें जो चौथा न्यूट्रल वायर है वो नहीं होता है। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम 415 वोल्ट पे थ्री फेज सप्लाई या 230 वोल्ट की सिंगल फेज सप्लाई देते हैं तो यहाँ 3 लाइनों के साथ साथ एक न्यूट्रल वायर भी आता है, लेकिन 11 केवी की हमारी लाइन यहाँ पोल माउंटेड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के सब स्टेशन पे 3 तारों से HT वाइंडिंग को मिलती है, और LT में जो स्टार कनेक्टेड सेकेंडरी होती है उसके स्टार पॉइंट को हम ग्राउंड अर्थ कर देते हैं, और अर्थ न्यूट्रल है वही हमारे लिए आगे की सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की चौथा न्यूट्रल वायर बन जाता है। 11 केवी HT सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन ट्रांसफॉर्मर की HT साइड में बुशिंग से कनेक्ट हो जाती है, और LT जो स्टार कनेक्टेड वाइंडिंग के कनेक्शंस हैं उसमें ये जो चौथा स्टार पॉइंट है इसे हम 2 अलग अलग अर्थ प्लेट से ग्राउंड कर देते हैं, और हमारी आगे की लाइन में ये तीनों लाइन तार, ये चौथा न्यूट्रल तार, थ्री फेज की 4 वायर सप्लाई सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बन जाती है। किसी भी दूसरी पावर ट्रांसमिशन की भांति 11 केवी की जो हमारी HT सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसमें भी कंडक्टर सबसे इंपॉर्टेंट और महंगा आइटम है। हम 11 केवी के लिए ACSR कंडक्टर इस्तेमाल करते हैं जिनमें अच्छी करंट कैपेसिटी है और बहुत बेहतरीन मैकेनिकल स्ट्रेंथ है। ACR का मतलब है एल्यूमिनियम के कंडक्टर जो स्टील से रीइंफोर्स्ड हुए हुए हैं, जो इनर स्टील के जो कंडक्टर हैं गैल्वेनाइज्ड स्टील के वो हमारी लाइन में मैकेनिकल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ डेवलप करते हैं, जबकि ये जो आउटर एल्युमिनियम की लेयर है जो प्योरिटी के एनील्ड एल्युमिनियम की बनी हुई है वो अपनी कंडक्टिविटी से कम रेजिस्टेंस और लॉसेस के साथ पावर ट्रांसफर बनाती है, और इनका वजन कम होने से ओवरहेड लाइन में टेंसाइल स्ट्रेसेस कम होती है और टावर और दूसरे स्ट्रक्चर की डिजाइन आसान हो जाती है। स्टील के रीइंफोर्समेंट से जो हमें टेंसाइल स्ट्रेंथ मिलती है उससे हम हल्के एल्युमिनियम वायर के लंबे स्पान्स बना सकते हैं, उनसे हमारे नंबर ऑफ टावर्स और उन पर लगने वाले इंसुलेशन की कॉस्ट कम हो जाती है। जब हम ट्रांसमिशन लाइन के लिए मल्टी स्ट्रेंड वायर्स का इस्तेमाल करते हैं तो कंडक्टर हैंडलिंग में फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। जब हम वायर्स की मल्टी लेयर में स्ट्रेंडिंग करते हैं तो इन्हें क्लोजली और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और इन्हें हल्का सा ट्विस्ट करते हुए अल्टरनेट लेयर्स में ट्विस्ट की डायरेक्शंस ऑपोजिट कर देनी चाहिए, और सबसे बाहर वाली लेयर में जो ट्विस्ट है उसे राइट हैंडेड तरीके से बनानी चाहिए ताकि ग्रिपिंग और दूसरी जगह पे हमारे ट्विस्ट हैं ACSR कंडक्टर में वो इंटैक्ट बनी रहे। HT11 केवी लाइनों में जो कंडक्टर के स्टैंडर्ड साइजेस हम एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्समेंट के साथ यूज करते हैं उनमें 7 तार एक जैसी डायमीटर के हम इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे छोटा तार है उसे हम स्क्वायरल बोलते हैं कमर्शियल कोडिंग में, और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया एल्युमिनियम पार्ट का 20 mm स्क्वायर है और ये 75 एम्पियर तक की करंट लोडिंग के लिए सफिशियंट है। वहीं जो वीजल है जिसका एरिया 30 mm स्क्वायर है उसमें नंबर ऑफ कंडक्टर्स तो एक स्टील और 6 एल्युमिनियम के साथ ही हैं, लेकिन हर स्टैंड का जो डायमीटर है वो इंक्रीज होकर 2.59 mm हो गया है। टोटल एरिया 30 mm स्क्वायर अब 100 एम्पियर करंट तक काम करेगा। वहीं इससे बड़े कंडक्टर रैबिट, रेगून और डॉग में जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो 50 mm स्क्वायर, 80 mm स्क्वायर और 100 mm स्क्वायर। इंडिविजुअल स्ट्रैंड के डायमीटर 3.35 mm, 4.09 mm और 4.72 mm होने से हो गई है, और अब 50 mm स्क्वायर का जो एल्युमिनियम एरिया है वो हम 150 एम्पियर करंट तक यूज कर सकते हैं। जो रेकून कंडक्टर है जिसका एरिया 80 mm स्क्वायर है उसे हम 200 एम्पियर पे, और जो डॉग कंडक्टर है जिसका एरिया 100 mm स्क्वायर है उसे हम 250 एम्पियर तक की करंट रेटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा रेबिट कंडक्टर है 150 एम्पियर का जिसका एल्युमिनियम एरिया 50 mm स्क्वायर है उसमें 6 एल्युमिनियम के ये आउटर स्टैंड, हर स्टैंड का डायमीटर 3.35 mm है, ये कंडक्टिविटी बनाएगा, लाइट वेट मेंटेन करेगा, और ये जो इनर स्टील का एक स्ट्रैंड है इसकी भी डायमीटर 3.35 है, और ये 3.35 mm का मतलब है कि इसका एरिया 50 mm स्क्वायर है और इसे हम 150 एम्पियर करंट तक की कैपेसिटीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया के एसी
ISR वायर्स में स्टील का सिर्फ सिंगल वायर होता है और इनमें किसी भी प्रकार के जॉइंट परमिटेड नहीं है, चाहे वो 20 mm स्क्वायर हो, 30 mm स्क्वायर हो, 50 हो, 80 हो या 100 mm स्क्वायर हो। जो डॉक क्रॉस सेक्शन है 100 mm स्क्वायर, उसमें हम 6 एल्युमिनियम के कंडक्टर तो 4.7 mm स्क्वायर के यूज करें, लेकिन यहाँ एक सिंगल स्टील का 4.7 mm का वायर ना लेके अगर हम 7 स्टील वायर 1.57 mm डायमीटर के यूज करें तो ये एल्युमिनियम एरिया 100 mm स्क्वायर 250 एम्पियर करंट के लिए सुटेबल है। और ऐसे कंडक्टर में इन स्टील स्ट्रेंट्स में हम आपस में जॉइंटिंग करके एल्युमिनियम से एल्युमिनियम कंडक्टर को भी क्लैंप लगा के क्रिम्पिंग करके जोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम इस तरह की जॉइंटिंग करते हैं तो दो जॉइंट्स 15 मीटर से कम दूरियों पर नहीं होने चाहिए। जब हम एल्युमिनियम कंडक्टर्स को जिनमें स्टील रीइंफोर्समेंट है टावर्स पर लटकाते हैं, इस वर्क को हम स्ट्रिंगिंग वर्क कहते हैं, तो खींचते हुए उनमें जो टेंसाइल स्ट्रेसेस दी जाती है वो सेफ्टी फैक्टर के अनुरूप और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ के अनुरूप होनी चाहिए। और जो सैग है कंडक्टर में वो ग्राउंड से मिनिमम सेफ क्लियरेंस भी मेंटेन करना चाहिए। तो हम स्ट्रिंगिंग के दौरान जो कंडक्टर के स्टैंडर्ड सैग और टेंसाइल स्ट्रेंथ के जो चार्ट्स हैं इनका इस्तेमाल करते हैं। और स्ट्रिंगिंग के दौरान किसी भी तरह के मुड़ान या किंक्स ACSR कंडक्टर में डेवलप नहीं होने चाहिए, इस बात का हम प्रिकॉशन मेंटेन करते हैं। ओवरहेड लाइन में जो हमारा ACSR कंडक्टर है उसके सराउंडिंग में किसी भी प्रकार का इंसुलेशन नहीं है, जो फ्री एयर अवेलेबल है उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड इंसुलेशन प्रोवाइड करती है। लेकिन हम कंडक्टर को ग्राउंड से सेफ क्लियरेंस मेंटेन करने के लिए सेफ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए पोल पे सपोर्ट करते हैं और पोल पे हम इंसुलेशन के ऊपर लाइन कंडक्टर्स को प्लेस करते हैं। और हम 11 kV की ST लाइनों के लिए अक्सर स्टील के ट्यूबुलर या रेल नेचर के पोल्स या RCC या प्री स्ट्रेस कंक्रीट सीमेंट के लाइन सपोर्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। इन लाइन सपोर्ट्स की मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए ताकि वो कंडक्टर इंसुलेशन के वजन से जो टेंसाइल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी उसे स्ट्रॉन्ग विंड और आइस कंडीशंस में भी सस्टेन कर सके। जो लाइन सपोर्ट्स हैं वो कॉस्ट में इकोनॉमिक होने चाहिए, चीपर होने चाहिए, इनमें अच्छी मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं होनी चाहिए, इनकी इनिशियल कॉस्ट और इरेक्शन भी कन्वीनियंट होना चाहिए। अनेक बार हमारी ट्रांसमिशन लाइन एक सीधी स्ट्रेट रन में होती है, ऐसी स्थितियों में ये जो टावर सपोर्ट है इन्हें सिर्फ कंडक्टर और इंसुलेशन के वेट को ही सपोर्ट करना होता है। दोनों तरफ के किसी टावर पे जो लॉन्गिट्यूडिनल पुल बनते हैं वायर की लेंथ के, वो दोनों तरफ से काउंटर बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी दुर्घटनावश अक्सर हमारी LT 415 वोल्ट की लाइनें और 11 kV की ये ST लाइनें इतनी मजबूत नहीं होती कि इनके तार कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग विंड या किसी स्ट्रॉम कंडीशंस में टूट जाते हैं, और ऐसी स्थिति में जब एक तरफ का कंडक्टर टूट गया है तो दूसरी तरफ के कंडक्टर एक अनबैलेंस्ड लोड बना देते हैं और ये लोड बहुत जल्द ही इन फ्लेक्सिबल टावर्स के कुछ बेंडिंग से सक्सेसिव स्पान में सैग को बढ़ा के थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाता है। अक्सर जब एक जगह लाइन टूट गई है, टावर हमारे सक्सेसिव टेढ़े हो गए हैं और लाइनों में सैग बढ़ गया है, तो 3 या 4 स्पान के बाद अनबैलेंस लोड नेग्लिजिबल हो जाता है। हम अक्सर इस तरह की टावर सपोर्ट में बेंडिंग्स बहुत दूर तक ना हो इसलिए लगभग 1 किलोमीटर की रेंज पे ऐसे रिजिड एंकरिंग सपोर्ट लगाते हैं डबल पोल के साथ, जो किसी भी ODI कंडीशंस पे बेंड नहीं होंगे। और ऐसे डबल पोल स्ट्रक्चर पे हम बढ़िया ब्रेसिंग स्टे अरेंजमेंट से करते हैं और स्ट्रेन इंसुलेटर की मदद से दोनों तरफ की टेंशंस को इस रिजिड एंकरिंग सपोर्ट पे ही बियर करते हैं। अगर ट्रांसमिशन लाइन एक स्ट्रेट लाइन में है और 5 डिग्री से भी कम लाइन में डेविएशन है तो हम सिंगल पोल स्ट्रक्चर सिंपल पिन इंसुलेटर के साथ इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारी डेविएशन 5 डिग्री से थोड़ी ज्यादा और 15 डिग्री डेविएशन के बीच में है तो पिन इंसुलेटर एंगल की टेंशन को बियर नहीं कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में हम इंसुलेशन के लिए डिस्क इंसुलेटर को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ स्ट्रेन इंसुलेटर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा डेविएशन 15 डिग्री से ज्यादा है तो हम डबल पोल स्ट्रक्चर को बीच में एक एंगल आयरन सपोर्ट से एच सेक्शन बनाकर एच पोल सपोर्ट सिस्टम को यूज करते हैं। ऐसे सपोर्ट 1 किलोमीटर में रिजिड एंकरिंग टावर बनाने के लिए, स्टार्ट और एंड के जो हमारे टर्मिनल टावर्स हैं उन्हें बनाने के लिए, कहीं हम लाइन में कोई टी ऑफ ले रहे हैं तो उन टी ऑफ लोकेशंस के लिए, या अगर हमारी कोई लाइन रिवर या कोई दूसरी LT 415 वोल्टेज की लाइन या कोई रोड या रेल को क्रॉस कर रही है
उस समय भी हम इस तरह के डबल पोल एच सेक्शन हाई हाइट के टावर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और एंगुलर पोजीशंस और दूसरी कंडीशंस पे जो टेंशन का एडिशनल लोड आएगा वो हमारे ये स्ट्रेन इंसुलेटर और ये टावर स्ट्रक्चर जिसे अच्छे तरह से हमने स्टे किया हुआ है वो विदस्टैंड कर लेगा। हम 11 kV की लाइन के लिए किस तरह के पोल सपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्या दो लाइनों के बीच में स्पान रहेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारे कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन है या पर यूनिट लेंथ वेट कितना है, हम लोकल कंडीशंस जिनमें काम कर रहे हैं वो कैसी है और ओवरऑल हमारे सिस्टम में क्या कॉस्ट इनकर हो रही है। रिजिड रेल पोल्स हैं वो एल शेप के हो सकते हैं, रेल पटरी की जैसे हो सकते हैं, कुछ ट्यूबुलर शेप के भी रिजिड रेल पोल्स आते हैं। रिजिड स्टील के रेल पोल्स हैं वो आरसीसी पोल की तुलना में बेटर माने जाते हैं, इनका ओवरऑल वेट कम है और इनकी कॉस्ट भी कम है, लेकिन ऐसे पोल एटमोस्फेरिक मॉइस्चर से रेन से कोरोड हो सकते हैं, इसलिए इनकी जब फाउंडेशंस करते हैं तो फाउंडेशन को बहुत बढ़िया तरीके से कंक्रीट मफिंग करनी पड़ती है और ऊपर सभी जगह पे एंटी कोरोजिव पेंट और दूसरे केमिकल का ट्रीटमेंट करना जरूरी है। अक्सर हम 13 मीटर हाइट के साथ इस तरह के स्टील रेल पोल का इस्तेमाल 33 kV लाइंस पर ज्यादा करते हैं, 11 kV पे हम स्टील ट्यूबुलर और आरसीसी पोल्स का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। इस तरह के जो स्टील के ट्यूबुलर पोल्स होते हैं वो नीचे ज्यादा सेक्शंस के ऊपर छोटे क्रॉस सेक्शन के बिल्टअप सेक्शंस होते हैं जिन्हें हम आपस में स्वेज्ड करके एक दूसरे से जोड़ लेते हैं, या फिर हम हॉट रोल्ड कार्बन स्टील की फ्लैट्स को रोल करके ट्यूब जैसे वेल्ड करके इन सेक्शंस को आपस में वेल्डिंग से बना सकते हैं। ट्यूबुलर पोल की जो सर्कुलर शेप है उस पे विंड प्रेशर्स की एक्शंस ज्यादा नहीं होंगी, ट्यूबुलर पोल के ऊपर हम यहाँ एक पोल कैप लगा के इसे सील कर देते हैं ताकि रेन और मॉइस्चर की बुरे इफेक्ट्स ट्यूब के अंदर ना असर कर सके। किसी भी दूसरे पोल की तुलना में ट्यूबुलर पोल सपोर्ट हैं वो सबसे हल्के हैं वजन में, इन्हें आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है, इनकी अपीयरेंस भी दिखने में भी ये खूबसूरत हैं, अक्सर इन्हें हम सिटी अर्बन लोकेशंस पे पसंद करते हैं और इनकी 9 से 11 मीटर की जो हाइट्स हैं उनमें हम वर्किंग लोड 227 kg फोर्स पर मीटर क्यूब ऐसा प्रेशर सस्टेन कर सकते हैं। आरसीसी पोल्स या रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट पोल्स हैं, इनके सेक्शन स्क्वायर होते हैं जो नीचे से चौड़े 25 cm x 25 cm क्रॉस सेक्शन के हो सकते हैं और ऊपर में संकड़े 13 cm x 13 cm हो सकते हैं। इन्हें हम स्टील की रोड को कंक्रीट के अंदर दबाकर रिइंफोर्स करके बनाते हैं। इन पोल्स में इनहेरेंट इंसुलेटिंग कैपेबिलिटीज हैं, ये मेंटेनेंस फ्री हैं, बहुत लॉन्ग लाइफ रखते हैं और रेन सनलाइट वगैरह से इन पे बुरे असर नहीं आते, लेकिन इनका वजन ज्यादा है कंक्रीट और स्टील के कारण, ये हैंडलिंग में भारी होने के कारण तकलीफ देते हैं, अक्सर इन्हें इरेक्शन साइट पे ही फैब्रिकेट करके इस्तेमाल करना पसंद किया जाता है। 8 या 9 मीटर की जो हाइट के आरसीसी पोल्स हैं इन्हें हम लंबे स्पांस में और ऐसी कंडीशंस पे भी जहां पानी भरा रहता है वाटरलॉक्ड कंडीशंस हैं वहां भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल आरसीसी पोल की बजाय हम प्री स्ट्रेस्ड सीमेंट कंक्रीट पोल्स का भी इस्तेमाल करते हैं जिनका वजन रिलेटिवली और कॉस्ट भी कम होती है, जिनमें हम कंक्रीट मिक्स में स्टील के वायर्स को मोल्ड करके और वाइब्रेटर की मदद से कॉम्पैक्टिंग कर देते हैं। अक्सर आरसीसी और प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट पोल्स में एक इंटरनल गैल्वेनाइज्ड वायर का हम इस्तेमाल करते हैं जिसे हम अर्थिंग या ग्राउंडिंग में इस्तेमाल करते हैं। 11 kV के HT सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में दो पोल के बीच में स्पेसिंग इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के रूल 85 से डिसाइड होती है और रूल 77 ये डिसाइड करता है कि दो टावर के बीच में जो हम वायर को लटकाते हैं तो उसमें जो झोल और सैग डेवलप होता है उस सैग की ग्राउंड क्लियरेंस कितनी होनी चाहिए। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी के रूल 77 के अनुसार 650 वोल्ट से लेकर 33 kV तक की जो हमारी हाई टेंशन वोल्टेजेज हैं उसमें सड़क को पार करते समय लाइन की जो ग्राउंड से क्लियरेंस है वो 20 फीट 6.1 मीटर मिनिमम होनी चाहिए और रोड के पैरेलल चलते समय ये 5.8 मीटर 19 फीट के बराबर हो सकती है। एक 11 kV की HT लाइन किसी भी नियरेस्ट बिल्डिंग स्ट्रक्चर से हॉरिजॉन्टली 6 फीट की क्लियरेंस और वर्टिकली 12 फीट की क्लियरेंस रखनी चाहिए, ये जरूरी है। कंडक्टर वायर में जो अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है और फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू 2.5 के अराउंड लेते हुए हम ग्राउंड क्लियरेंस मेंटेन करते हुए अगर 8 मीटर के पोल इस्तेमाल करते हैं तो स्पान 65 मीटर या कुछ कम रखा जा सकता है, लेकिन अगर हम टावर की हाइट
9 मीटर या ज्यादा ले लेते हैं, या दूसरे केसेस में सैक को कम रखा जा सकता है, तो हम स्पान को 65 मीटर से बढ़ाकर 100 मीटर तक ले जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इंस्पेक्टर की एक रिटर्न परमिशन प्राप्त कर लेनी चाहिए। जब हम पोल को फाउंडेशन में डालते हैं, इरेक्शन करते हैं, तो एक एक्सकेवेशन करते हैं ग्राउंड में, एक गड्ढा बनाते हैं और पूरे पोल की जो हाइट है उसका 1/6 पार्ट कम से कम नीचे ग्राउंड में दबा देते हैं और चारों तरफ सीमेंट कंक्रीट की फाउंडेशन बना देते हैं। चाहे पोल सपोर्ट स्टील रेल हो, ट्यूबुलर स्टील फॉर्मेट में हो, या RCC या PSCC का स्क्वायर सेक्शन का पोल हो, एक टेडी आर्म जिसे हम क्रॉस आर्म कहते हैं उसे पोल के साथ अटैच किया जाता है। इस क्रॉस आर्म पे लगे हुए इंसुलेटर पे जब कंडक्टर प्लेस होता है तो क्रॉस आर्म कंडक्टर्स को पोल और एक दूसरे से दूर रखने का काम करती है। पहले वुडन क्रॉस आर्म्स का भी इस्तेमाल वुडन पोल पे किया जाता था, लेकिन इन दिनों माइल्ड स्टील की स्ट्रक्चरल स्टील पीस को पोल टॉप से 2 फुट के आसपास नीचे एक पोल ब्रैकेट की मदद से अटैच किया जाता है। क्रॉस आर्म्स के ऊपर इंसुलेटर को सपोर्ट किया जाता है। क्रॉस आर्म्स MS का चैनल सेक्शन हो सकता है, वो यू शेप की हो सकती है या वी शेप की हो सकती है या एक जिगजैग आकृति की हो सकती है। जिगजैग और यू शेप्ड क्रॉस आर्म्स का कम इस्तेमाल होता है और सिंगल पोल पे वी शेप्ड और डबल पोल या एंगल पोल पे MS चैनल की क्रॉस आर्म्स का ज्यादा इस्तेमाल होता है। 11 kV की लाइनों के जो पोल सपोर्ट्स होते हैं उन पर MS माइल्ड स्टील की चैनल की L सेक्शन को, जिसमें दो साइड 100 mm by 50 mm हो सकती है या 125 mm by 50 mm हो सकती है और थिकनेस चैनल की 5 mm या 6 mm हो सकती है, और हम दो लेंथ में इस्तेमाल करते हैं, एक 1.5 मीटर लंबाई की होती है और एक 2.1 मीटर लेंथ की हो सकती है। अगर क्रॉस आर्म्स को वी शेप में लिया हुआ है तो L सेक्शन की डायमेंशन 100 mm by 50 mm हो सकती है और मोटाई 5 mm हो सकती है, और इस सेंटर से ये सेंटर के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 m 7 cm 1070 mm रखा जाता है। जो क्रॉस आर्म्स की हम लेंथ या शेप लेते हैं वो ऐसी डिजाइन की जाती है कि जो हमें 3 नंबर के इंसुलेटर प्रॉपर स्पेसिंग के साथ अकोमोडेट करते हैं उनका अकोमोडेशन हो जाए। एक क्रॉस आर्म्स को इंसुलेटर, उसकी पिन, जो भी रिजल्टेंट फोर्स एग्जर्ट करेगी और इंसुलेटर और उनके जो अटैचमेंट्स हैं उनका जो भी डेड वेट है उसे विदस्टैंड करना चाहिए। पक्षी या बर्ड्स क्रॉस आर्म्स के ऊपर नहीं आए, उसके लिए 11 kV के जो ST लाइंस है उन पर हम अक्सर वी क्रॉसबार्स को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिनकी स्लांट पोजीशन पर किसी भी बर्ड को बैठने में दिक्कत आएगी, और 3 पिन इंसुलेटर एक पोल के टॉप पे और 2 क्रॉस आर्म्स की साइड्स में जो होल बने हैं उनमें पिन्स को फिक्स करके लगाए हुए होते हैं। लेकिन जहां एंगल पोल होते हैं या दूसरी रिक्वायरमेंट होती है और हम स्ट्रेट क्रॉसबार्स का इस्तेमाल करते हैं तो इन पर अक्सर डिस्क इंसुलेटर लगे हुए होते हैं और ज्यादा स्पेस नहीं होता कि पक्षी बैठ पाए। एक क्लैंप की मदद से, चाहे वी क्रॉस बार्स हो या स्ट्रेट क्रॉस बार्स हो MS चैनल की, उसे एक क्लैंप की मदद से पोल के साथ पोल के टॉप से 2 फिट 600 mm नीचे फिक्स किया जाता है। जो पोल क्लैंप है वो एक MS फ्लैट पीस है 50 mm चौड़ाई का और 6 mm मोटाई का। इस फ्लैट के साथ नेसेसरी नट बोल्ट वॉशर वगैरह लगा के हम क्रॉस आर्म्स को पोल के साथ फिक्स कर देते हैं। पोल सपोर्ट की ओरिएंटेशन और उस पर क्रॉस आर्म्स की जो पोजीशन है उसे इस तरह से फिक्स किया जाता है कि लाइन की ओरिएंटेशन के साथ इसकी मैचिंग हो जाए और लाइन कंडक्टर का जो वेट का लोड है वो क्रॉस आर्म्स द्वारा सहा जाए और उसका असर पोल क्लैंप के नट बोल्ट्स वगैरह पे या इंसुलेटर पे भेजा ना आए। एक क्रॉस आर्म्स के एंड से कम 50 mm अंदर पिन होल होना चाहिए जहां पिन इंसुलेटर की प्लेसिंग होगी। हम एक गैल्वेनाइज स्टील का क्लैंप एक पिन इंसुलेटर की पोजीशन के लिए और 2 माइल्ड स्टील के 16 mm डायामीटर और 60 mm लेंथ के बोल्ट्स का इस्तेमाल दूसरी 2 पिन इंसुलेटर की फिक्सिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिक्सिंग के लिए हम वॉशर, स्प्रिंग वॉशर्स, नट्स वगैरह का इस्तेमाल करके पिन इंसुलेटर को पोल सपोर्ट और क्रॉस आर्म्स पर फिक्स कर देते हैं। क्रॉस आर्म्स के 2 पिन इंसुलेटर के बीच में ये जो कंडक्टर है इसमें 1 मीटर और 7 सेंटीमीटर या 1070 mm का सेपरेशन होता है। पोल टॉप से पिन इंसुलेटर के ऊपर रखे हुए कंडक्टर की डेप्थ 300 mm है और इस पोल टॉप से पिन इंसुलेटर क्लैंप पे लगने के बाद 350 mm ऊपर यहाँ तीसरा कंडक्टर प्लेस्ड हो जाता है। पूरे पोल की हाइट अगर 8 मीटर है तो इसका 1/6 पोर्शन लगभग 1.5 मीटर हम जमीन में अंदर ग्राउंड कर देते हैं। जो हमें मिनिमम क्लियरेंस चाहिए कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में अलग अलग सेक
पोजीशंस पर वो मैनेज हो जाती है। अगर हमारे पोल की ओवरऑल हाइट 8 मीटर है, स्ट्रेट लाइन में सिंगल पोल के बजाय जब कोई टेंशन या एंकरिंग पोल सपोर्ट बनाते हैं, कोई एंगल लोकेशन है या रिवर एलटी लाइन, रोड या रेल की क्रॉसिंग आती है, तो पोल के ऊपर 2 MS चैनल की दोनों तरफ क्रॉस आर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है और उन क्रॉस आर्म्स पर डिस्क इंसुलेटर लगाए जाते हैं जो स्ट्रेन इंसुलेटर का काम करते हैं, और एक डिस्क इंसुलेटर से दूसरे इंसुलेटर के बीच में लाइन का कनेक्शन जंपर्स की मदद से किया जाता है। उम्मीद है आज के इस वीडियो से 11 kV के जो HT सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन्स है उसमें कंडक्टर सपोर्ट और क्रॉस आर्म्स के बारे में आपकी जानकारी सुधरी होगी। इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आप सभी तरह की ट्रांसमिशन लाइन्स और सबस्टेशन के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारी दूसरी प्लेलिस्ट की मदद से आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की समझ सुधरेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें, हैव नाइस टाइम, और हम मिलेंगे फिर एक नई खूबसूरत एकेडमिक वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।